नमस्कार दोस्तों, वानी अन्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चने की दाल की बड़ी। चने की दाल हमने भिगो ली है, 2 से 3 घंटा भिगोई है। अब हमें इसे मिक्सी में पीसेंगे। देखिए हमारी दाल बिल्कुल बारीक हो गई है, इसमें कोई पानी नहीं डाला हमने। बिना पानी की दाल पीसनी है, पानी का यूज़ हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसे बाउल में निकाल हमने बाउल में निकाल ली है। देखिए हमारी दाल ठीक है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार मसाले डालेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर सॉरी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा हम स्वाद के लिए अमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे इसमें स्वाद बढ़ जाएगा। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए हमने हमारी बड़ी डाल दी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो दाल है वो पतली हो गई है, तो आप उसमें थोड़ा बेसन मिला सकते हो, जिससे वो थोड़ा थिक हो जाएगा और पकौड़ी आराम से निकलेगी। देखो हमारी पकौड़ियाँ बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम रेसिपी बनाने स्टार्ट करते हैं। हमने 3 चम्मच मीडियम चम्मच हमने ऑयल लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तेल ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 2 मीडियम साइज की प्याज लिया हमने। अब हम अदरक, हमारा प्याज पक गया है, हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। दो मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे, इन्हें हम ढककर पकाएंगे। टमाटर हमारे पक गए हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे, हमने बड़ी में भी मसाले डाले थे तो हम इसमें कम डालेंगे। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार डालेंगे। 1 चम्मच हम धनिया डालेंगे, 1/2 चम्मच हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा हम अच्छे गरम मसालों को पका लेंगे। हमारा मसाला पक गया, हम इसमें बड़ी डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे चलाएंगे। बड़ी हमारी मसाले में मिक्स हो गई है। अब हम इसे सर्व करके दिखाएंगे। आपको मेरी बड़ी की रेसिपी कैसी लगी, चने की दाल की बड़ी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सर आगे की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप इनबॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू।